अगर आप एक मूवी लवर हो, गेम लवर हो या फिर म्यूजिक सुनना पसंद करते हो एंड अपने रूम को एक सिनेमेटिक साउंड इफेक्ट देना चाहते हो तो आपको बाय करना पड़ता है एक ऑडियो एक्सट्रैक्टर का। इसके सेटअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना के रखा है जिसे आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर लैपटॉप या फिर कोई भी म्यूजिकल डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़रूर चेक करें एंड इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैं इसका जो साउंड है वो टेस्ट कराने वाला हूँ एंड आप लोगों का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कराने वाला हूँ। दोस्तों सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम एलईडी टीवी में HDMI ARC पोर्ट नहीं होता है और जिन टीवी में आता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट नहीं है, कोई भी नॉर्मल HDMI पोर्ट है, तो भी आप HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर से 5.1 चैनल का म्यूजिकल जो इफेक्ट है वो एंजॉय कर सकते हो। तो उसका सेटिंग मैं बहुत जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिटेल में सेटिंग देखने के लिए आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल सेटअप देख सकते हो। दोस्तों HDMI ऑडियो एक्सट्रैक्टर का क्विक सेटअप मैं दिखा देता हूँ। ये जो इनपुट वाला HDMI पोर्ट है, यहाँ पे मैं Amazon Fire TV Stick इनपुट डाल रहा हूँ। आप चाहो तो DTS बॉक्स या फिर कोई भी म्यूजिक या फिर ऑडियो डिवाइस यहाँ पे HDMI पोर्ट के साथ इनपुट दे सकते हो एंड आउटपुट में यहाँ पे हम लोगों को जो एनालॉग सिग्नल है वो यहाँ से ट्रांसमिट होता है एंड साथ ही साथ और एक HDMI आउटपुट को मिलता है। तो यहाँ से आप लोगों का जो डिजिटल वीडियो सिग्नल है एंड ऑडियो सिग्नल दोनों यहाँ से ट्रांसमिट होता है। तो ये वाला पोर्ट हम लोग टीवी में कनेक्ट कर देंगे एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये HDMI केबल है इसमें आपका टीवी के ARC जो पोर्ट है उसमें कनेक्ट करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल जो आउटपुट डिवाइस है उसमें हम लोग ओनली डिस्प्ले के लिए इसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ARC पोर्ट होना। ये आप कोई भी टीवी के साथ या फिर मॉनिटर के साथ या फिर जिसमें HDMI फैसिलिटी वाला कोई भी डिस्प्ले हो उसके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ये ओनली फॉर योर डिस्प्ले है। दोस्तों क्विकली मैं इसका साउंड टेस्ट करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो दो चैनल है ये पीछे के साइड में आपका रूम का सेट होके रहेगा जिससे आप लोगों को जो सिनेमेटिक साउंड इफेक्ट है या फिर बैकग्राउंड जितना भी सारा म्यूजिक है वो लिसन होगा। तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ एंड प्ले करने के बाद आप देख सकते हो इसमें मेनली वॉइस प्रायोरिटी है वो नहीं रहता है, जिसमें जनरली आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर जो बेस है वो साउंड आपको यहाँ से मिलता है। एंड वॉइस प्रायोरिटी के लिए और दो चैनल हैं। पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, एंड देयर इट इज़। आप सुन सकते हो कि इसमें जो बैकग्राउंड है उसका जो जितना भी सारा साउंड इफेक्ट है वो पीछे से आप लोगों को लिसन होता है। एंड आफ्टर दैट ये जो दो चैनल है, ये दो चैनल है फ्रंट का, एक लेफ्ट एंड एक राइट साइड का। तो इसका केबल लेंथ थोड़ा सा कम है तो मैं माइक को यहाँ पे लेके जाता हूँ एंड देन वी आर प्लेइंग। एंड प्ले करने के बाद आप देख सकते हो इसमें वॉइस प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। एंड देयर इट इज़। एंड उसके बाद फाइनली आता है हम लोगों का जो सेंट्रल स्पीकर है, वो सेंट्रल स्पीकर को मैं टेस्ट कराता हूँ। ये मेनली बेस जो होता है हम लोगों का जो साउंड इफेक्ट आता है उसके लिए ये चैनल यूज़ किया जाता है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ये जो डिवाइस है एंड साथ ही साथ मैंने जितना भी सारा कंपोनेंट यूज़ किया है सेटअप के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो अपने बिलावेड पर्सन को ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।